पढ़ने के भारतीय कृषि लेसन पढ़ लिया था, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे है दूसरा प्रश्न, इसमें देखो भारत में कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें इसका आंसर होगा, इसमें चार बताए थे, देखो इसमें चार हैं भारत में उपयोग के आधार पर फसलों के रूप में है, चार भागों में बांटा है। इसमें पहला है खाद्यान्न फसल, पहला है, मैं आंसर लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन आपके इसमें है और डिटेल आप लिख लेना, इसमें मैं बता रही हूँ कि आपको पता लग जाए जिससे कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आंसर है। खाद्यान्न फसलों में जो अपन खाने के उपयोग में करते हैं वो खाद्यान्न फसलें, दूसरा है इसमें व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें। तीसरा है इसमें, ये देखो बागानी फसलें, ये अपने पढ़े भी थे बागानी फसलें, जो बड़े बड़े चाय और ये कॉफी रबड़ ये फसलें। और चौथा है इसमें जो ये छोटी फसलें उपजे होती है ना, उद्यान फसलें, जिसमें फल व सब्जियों को शामिल किया जाता है उद्यान फसलें। इनका वर्णन भी आपको लिखना है कि जैसे खाद्यान्न फसलों में जो खाने के उपयोग में जैसे गेहूं चावल ये मक्का ये सारे खाद्यान्न फसलें हैं, बाजरा, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं, जैसे गन्ना कपास जूट कल भी बताया था मैंने, बागानी फसलें जो बड़े बड़े बागों में उगाई जाती हैं, चाय कौवा रबड़, उद्यान फसलों में फल व सब्जी। अब अगला क्वेश्चन है ये आपका, मक्का की फसल के बारे में बताइए। अब मक्का की फसल के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फसल के बारे में बताना है तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, कितना चार पॉइंट मैंने बताए थे ना तब पढ़ाया था कि उसमें कितना तापमान कितनी वर्षा किन किन क्षेत्रों में यह उपयोग और मिट्टी, ये चारों चीजें उसमें आपको लिखनी है। तो मक्का में देखो ये आपके दे भी रखा है मक्का की फसल, तो यह खाता नहीं, एक तो यह रबी की और खरीफ की कौन सी फसल है यह लिखना है, तो मक्का खरीफ की फसल है और यह इसके लिए तापमान यह मक्का है, मक्का खरीफ की फसल है, आपको पूरा वर्णन लिखना आपकी बुक में दे रखा है, खरीफ की फसल है, इसके लिए तापमान कितना चाहिए, ये तुम्हें पहले भी बताया था मैंने, 12 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्षा कितनी होनी चाहिए, इसमें मक्का में वर्षा की कमी जरूरत होती है तो कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। और किन किन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है, यह आंध्र प्रदेश कर्नाटक राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश और पंजाब में उत्पादित की जाती है, और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है, यह वर्णन आपको लिखना है इसमें मक्का वाले में। अब अगला क्वेश्चन है, तिलहन की फसलों में सरसों का योगदान, अपन ने जो तिलहन की फसलें लिखी पढ़ी थी उनमें सरसों सिर्फ और सिर्फ सरसों का योगदान ही, तो सरसों का वर्णन लिखना है इसी प्रकार से जैसे मक्का का लिखा है इसी प्रकार से सरसों। अब सरसों के लिए कहाँ तो यह उत्पादित की जाती है,
तिलहन फसलों में तेल और यह पशुओं के चारा भी निकलता है। कहाँ कहाँ पैदा की जाती है यह? राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें देखो स्पष्ट दे रखा है आपके, इसमें विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है तथा देश की कुल तिलहन फसलों का 35% भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग रखने के कारण प्रथम स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश तृतीय और गुजरात चौथे स्थान पर है। पंजाब हरियाणा में भी सरसों का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ की जाती है यह? अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और हनुमानगढ़ में, बीकानेर में की जाती है। ठीक है, ये सारा वर्णन आपको सरसों वाले में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आपका है स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। अब स्थानांतरित कृषि यह आपके दे रखे, इसमें भी दे रखा होगा स्थानांतरित कृषि। इसमें यह है स्थानांतरित कृषि वह होती है, उत्पादन किया जाता है जो 42% है। उसके बाद है महाराष्ट्र,
गुजरात और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में भी किया जाता है। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में यह है? यह शुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि बाजरे के लिए पानी कम ही चाहिए होता है, तो उसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू और अलवर, जयपुर और जालौर में बाजरे की फसल पैदा की जाती है। अब यह सारा लिखना है आपको अपनी कॉपी में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन में है, तो निबंधात्मक में जो वर्णन आपने लघुत्रात्मक में पूरा लिख दिया, जैसे सरसों का आपने लिख दिया, बाजरे का लिख दिया, तो ये छोड़ देना, मैं बता देती हूँ। उसके बाद भारत में कृषि फसलों में दलहन का योगदान, अब दलहन में जैसे सरसों का तो लिख दिया, उसके बाद मूंगफली और अन्य, ये सॉरी दलहन फसलों में, तो ये दालों का वर्णन लिखना है आपको, सारी ये ये थी ना, ये दलहन फसलें हैं, ये सारी लिखने हैं दालें, इनका वर्णन लिखना है इसमें। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान पर प्रकाश डालिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब इसके पॉइंट का ही अपन ने पढ़े थे, इसमें सबसे पहला है रोजगार उपलब्ध करवाना, कल ही पढ़े थे नहीं अपन ने, तो इसमें लिख लो आप ये रोजगार के साधन, ये पॉइंट सारे लिखने आपको, वर्णन सही, रोजगार के साधन कल ही समझाए थे कि कृषि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, मतलब रोजगार उपलब्ध करवाएगी तो उसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, में सहायक। तीसरा है विदेशी व्यापार में योगदान, विदेशी व्यापार में योगदान। चौथा है, तीसरा विदेशी व्यापार में योगदान, चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए माल की आपूर्ति भी कृषि के द्वारा ही होती है, ये मैंने कभी समझाया था तुम्हें। पांचवा है औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार, औद्योगिक भी आपको याद रखने हैं। भारत में कृषि
को प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। ये विधियां तो अपन ने लिख ली, दोनों विधियां अपन ने छोटे क्वेश्चनों में लिख ली। भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर और भारतीय ऋतुओं के आधार पर, ठीक है, इसको छोड़ देना। भारत में खाद्यान्न फसलों पर प्रकाश डालिए। अब खाद्यान्न फसलों में अपन ने देखो, खाद्यान्न फसलों में बाजरे का तो वर्णन लिख लिया, मक्के का भी लिख लिया, अब ये चावल और गेहूं है, इनका वर्णन आप लिख लेना। गेहूं के लिए कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, इसी प्रकार से चावल, क्योंकि अपने छोटे क्वेश्चन में मक्का और बाजरा तो लिख लिया, यही खाद्यान्न फसलें हैं, तो छोटा क्वेश्चन याद करोगे तो बड़े में आ जाएगा, तो वो भी आप कर दोगे। इनको कॉपी में नोट कर लेना और चेक करने के लिए तब मैं बोलूँ तो भेज देना इसके, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए अभी फिर वो आप पूछ लीजिए।